ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय दो। हरे कृष्णा राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय एक में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को ईश्वर और सनत कुमार संवाद का वर्णन कर रहे थे। आज इस अध्याय दो में भगवान सनत कुमार को श्रावण मास में करने योग्य कार्यों को बता रहे हैं। शुरू करते हैं। भगवान शिव सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात पूछी है। हे ब्रह्मा पुत्र, आप विनम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं। आप समस्त सद्गुणों से युक्त श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का पांचवा मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगी श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे। नियम से रहकर मनुष्य एक समय सायकाल 4 बजे भोजन करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दंतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल पत्रों से शिव की लक्ष पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियमानुसार व्रत धारण करें। कोटिलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महीने भर नियम धारण कर व्रत पालन करना चाहिए। इसके बाद शिव बोले, मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना अति प्रिय है, अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत प्रकार के शुभ फल देने वाला होता है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस महा में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्य ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक यानी साग का पूरी तरह से त्याग कर दे। हे मुनियों में उत्तम, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी ना किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रियां निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का बार बार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पठन मनोकूल और मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए, यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, ग्रह यज्ञ होम, लक्ष होम तथा अयुक्त होम करने वाला मनवांछित फल प्राप्त करता है। इस मास में व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, वे वहां पर महाप्रलय तक रहते हैं। इस श्रावण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई दूसरा महा इतना प्रिय नहीं है। यह मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। यह मास सकाम व्यक्ति को मनिच्छित फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः हे तत्पुरुष, इस मास में जिन जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करे, सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू कर निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत
समस्त मनोकामनाओं और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगला गौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंतिका देव व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुम्बर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसे चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। यह महा उत्तम फलदायी होता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, सभा में उपकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणा कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये सात कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमाही को सात व्रत होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानवादि तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पितरो व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और विष्णु का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति है, पंचमी के देवता नाग है और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय या भगवान स्कंद है, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं, द्वादशी के भगवान विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। इस कर्म से ये सभी देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को भी बता रहा हूं, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। इसके 7 दिन पहले से ही अगस्त्य ऋषि को अर्घ प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है।
इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सनत कुमार, चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक यानी साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव सभी मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे माननीय सज्जन ब्राह्मण, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। भक्त मेरी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति पाने के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी हम में भेद की कल्पना भी करते हैं वे सब अंत में नरक लोक में जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप श्रावण माह में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ईश्वर और सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। इस दूसरे अध्याय के सुनने सुनाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि शिव और विष्णु एक ही है, उन्हें भेद नहीं करना चाहिए। मन से, प्रेम से, भाव से सावन में भोलेनाथ की आराधना करो। जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय।